आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी पालक बरीतो बाउल, जो कि सुपर हेल्दी तो है ही, साथ ही सुपर डिलीशियस है, हाई इन प्रोटीन है, हाई इन फाइबर है, गुड कार्ब गुड फैट से भरपूर है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे प्याज और टमाटर की ग्रेवी ली है जिसे मिक्स कर लिया है, और बहुत ही बेसिक हम इसमें मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा राजमा मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से हो चुका है, अब हम इसमें उबले हुए राजमा ऐड कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे। तब तक यहाँ पे हमने सब्जियां ली हैं, लाल पीली हरी शिमला मिर्च मशरूम, इन्हें हम कट कर लेंगे। सब्जी की जो चॉइस है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मशरूम को मैंने अच्छे से पहले धो लिया था और इसे भी हम कट कर लेंगे। राजमा जो हैं वो अच्छे से हो चुके हैं, जो तरी थी राजमा की वो मैंने अच्छे से सुखा दी थी, तो ड्राई ड्राई राजमा हमने निकाल लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, हार्डली ये 2 ml ऑयल है। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, और वॉश की हुई हम सब्जियाँ ऐड कर देंगे। मशरूम ऐड कर देंगे, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसे मैरिनेट करेंगे, ज़्यादा देर नहीं रखना है। एक सेपरेट बाउल में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, ऑरिगेनो ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, और इसकी जगह आप नमक ऐड कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, अगेन ये ऑप्शनल है। 1 चम्मच में यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ, घर का जमा हुआ नॉर्मल दही, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ नमक ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे, और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम पनीर के जो पीसेस हैं कट किए उन्हें ऐड कर देंगे मैरिनेशन के लिए। और बहुत ही हल्के हाथों से अब हम इन्हें फ्लिप करेंगे, पनीर बहुत सॉफ्ट है, टूट सकता है, इस तरह से हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। और एयर फ्रायर में हम पहले पनीर को एयर फ्राई कर देंगे। तब तक जब तक पनीर एयर फ्राई हो रहा है, यहाँ पे हम प्याज को और टमाटर को चॉप करेंगे। 1 टमाटर और 1 प्याज लिया है, जिसकी हम होममेड सालसा बनाएंगे। आप अलग अलग भी चॉप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक साथ इसे चॉप कर रही हूँ इस तरीके से। साथ ही मैंने हरी मिर्च भी चॉप कर ली थी। इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे आधा नींबू इसमें डाला है।
और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। नॉर्मली बरीतो बाउल में सावर क्रीम यूज़ की जाती है, लेकिन हम क्रीम यूज़ नहीं करें। मैं यहाँ पे होममेड दही लिया है, दे रही हूँ उसमें थोड़ा सा, मैं यहाँ पे रायता मसाला ऐड कर रही हूँ टेस्ट के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हम इसे सावर क्रीम की जगह यूज़ करेंगे। पनीर अच्छे से एयर फ्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने पालक अच्छे से धो ली है, इसे बारीक चॉप कर लिया है अच्छे से, ब्लांच करेंगे। पानी उबल चुका है, इसमें हम वॉश की हुई पालक ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट इसे रखेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं ये उबाल आ चुका है, इसे हम निकाल लेंगे और ग्राइंडर जार में ट्रांसफर करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम अपने राइस के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है, बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड किया है, साथ ही प्याज ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। जीरा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ थिकनेस के लिए, और साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इससे जो हम पालक राइस बना रहे हैं वो बहुत ही थिक ग्रेवी वाले बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ऑरिगैनो ऐड करेंगे, थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्राइंड किया हुआ जो पालक पेस्ट था उसको हम ऐड करेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी पालक हो गया है, बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार होगा। अब इसे अच्छे से हम पकने देंगे ताकि जो पालक का एक जो टेस्ट होता है वो इसमें मर्ज हो जाए। अच्छे से ये पक चुका है, इस स्टेज पे हम अपने उबले हुए जो राइस हैं, बॉइल्ड राइस पहले से ही मैंने करके रखे थे, उन्हें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्रीमी पालक बनके तैयार है। थोड़ा सी ग्रेवी मैंने निकाल ली थी, अब वो ऊपर डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर आया है इसका। और तकरीबन ज़्यादा नहीं इसे हम पकाएंगे, 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे। ये सभी चीज़ें हमारी तैयार हैं। अब हम अपना बरीतो बाउल बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप ऐड करते रहें। यहाँ पे मैं थोड़े से राइस ऐड कर रही हूँ, स्पिनच राइस। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग और पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉटे सब्जियाँ ऐड कर रहे हैं। राजमा, पनीर, एयर फ्राइड पनीर ऐड करेंगे। सालसा जो हमने प्रिपेयर की थी उसे ऐड करेंगे और सावर क्रीम ऐड करेंगे। और हमारा जो बरीतो बाउल है वो बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये होममेड स्पेशल क्रीमी पालक बरीतो बाउल की रेसिपी पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।